सो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सौरभ जोशी या नियॉन मैन के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में होने वाली है। तो एक ब्लॉगर है गौरव ब्लॉगर, जो कि सौरभ जोशी से मिलने उनके सोसाइटी गए हुए थे, लेकिन सोसाइटी के बाहर उनको उनकी थार तो मिली लेकिन सौरभ जोशी उनसे मिलने नहीं आए। और इस न्यूज को सबसे पहले टॉप न्यूज बॉय ने कवर किया एंड इसी न्यूज को फिर नियॉन मैन ने भी कवर किया। नियॉन मैन की उस वीडियो पर सौरभ जोशी के कमेंट है, उन्होंने लिखा कि सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम व्यूज के लिए किसी भी वीडियो एंड किसी भी न्यूज को कवर कर लेते हो। एंड उस कमेंट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था जो कि आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। एंड उस कमेंट के बाद नियॉन मैन ने अपनी नेक्स्ट वीडियो में सौरभ जोशी को रिप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं उस रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा सौरभ जोशी को। ब्लॉगर का ओपिनियन डाला एंड सौरभ जोशी का भी रिप्लाई दे दिया, जैसे कि आपने अभी सुना। मेरे ऊपर उन्होंने जो ये लाइन लिखा उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूं। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा है, दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इट्स लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ शेम ऑन यू फॉर मेकिंग व्लॉग्स फॉर व्यूज। जैसे कि आपका काम है व्लॉग्स अपलोड करना, वैसे ही मेरा काम है न्यूज अपलोड करना। इट्स माई जॉब। नाउ गाइस, एक बार आप मेरे पोजिशन में आके एक चीज सोचो, अगर कोई यूट्यूबर के अगेंस्ट एक वीडियो बनता है एंड आप उस न्यूज को कवर नहीं करते हो, तो फिर लोग आपके अगेंस्ट कमेंट करते कि भाई तूने न्यूज कवर नहीं किया, तू सौरभ जोशी की तरफ बायस्ड। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये न्यूज को कवर कर लूं तो भाई क्रिएटर से कुछ ऐसा कमेंट मिलता है आपको। तो भाई अब आप ही बताओ मेरे को करना क्या चाहिए इस केस में, दोनों तरफ से मेरा ही। तो गाइस आपको क्या लगता है कि सौरभ जोशी के जो फर्स्ट लाइन कही वो किसी को कहनी चाहिए थी कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। एंड हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।